लेकिन लोकसभा चुनाव में जदयू को करारी हार मिलेगी। मैं जदयू की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। जदयू को करारी हार मिलेगी, उसके बाद उस दल का विघटन होना निश्चित है। कोई भी जदयू को इस स्वरूप में लंबे समय तक बचा नहीं सकता है। अब जो भी उस दल में शामिल है, लोग ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, कोई भाजपा भाग रहा है, कोई करीब करीब उसका अंतिम दौर चल रहा है। हम उनके करीब रहे इसलिए नहीं बता रहे, जो हमारी अपनी राजनीतिक समझ है। नीतीश कुमार जी के लंबे राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर है। मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव तक उनका दल इसी स्वरूप में बना रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जदयू को करारी हार मिलेगी। मैं जदयू की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। जदयू को करारी हार मिलेगी, उसके बाद उस दल का विघटन होना निश्चित है। कोई भी जदयू को इस स्वरूप में लंबे समय तक बचा नहीं सकता है। अब जो भी उस दल में शामिल है, लोग ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, कोई भाजपा भाग रहा है, कोई जनसुना जा रहा है, कोई दूसरे दल में जा रहा है। जो भी जिनको भी राजनीति करनी है, वो जदयू को समझ रहा है कि जदयू का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जब डूबता हुआ जहाज रहेगा तो हर आदमी उसमें गुट बनाएगा, सोचेगा भाई हमारे लिए कुछ इसमें जो मिल जाए। तो ये उसी फेनोमेना को दिखाता है, कौन गुट बनाया है नहीं बनाया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जदयू का विघटन आने वाले कुछ महीनों में, लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के अंदर वो निश्चित है। और मैंने ये भी कहा है, मैं रोज रोज इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। आप पत्रकार बंधु जो हमें फॉलो करते हैं उनको मालूम है, मैंने जीवन में एक बार बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा, उनको 77 सीट आया। मैंने बिहार के संदर्भ में कहा है कि जदयू को एज ए दल लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी नहीं आएगा, अगर आ जाए तो मैं पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगने को तैयार हूँ। आ ही नहीं सकता। जा सकते हैं कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी के राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है, बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक अनुसंधान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछल कर दूसरे जगह चले जाए। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने दो बार कहा, दो तीन बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचार नहीं, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है। नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है, ये खिड़की दिखाकर दरवाजे को बताते रहते हैं कि देखो भैया अगर तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल देंगे। और हरिवंश जी उनके रोशनदान है, आप जरा समझिए, जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी। वहां पर सबको हटाया गया लेकिन उप सभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया, ऐसा क्यों भाई? बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है कि कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सके, भाग सके। नीतीश कुमार जी के जीवन में आज इतनी ही प्राथमिकता है कि किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे, बिहार जाए चूल्हे भार में, जिस व्यवस्था से भी हम बने रहे, बस उनकी इतनी प्राथमिकता रह गई है। और इसके लिए कोई आपको पत्रकार और किसान होने की जरूरत नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है।